अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर जर नासिर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सियासत इबादत। आज हम एक पब्लिक सर्वे पोल कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा हमने आपको पहले दिखाया, दो तीन दिन पहले ऑनलाइन किया है, आज उसको कंप्लीट करेंगे हम। तो उसमें सवाल वही होंगे जो उस दिन थे कि किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे। तो इस सिलसिले में हम लोगों का ओपिनियन लेते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं जी। सर, वोट किसे देंगे? वोट इंशाल्लाह PTI। बताएंगे कि आप क्यों PTI को देंगे? और भी बहुत से लीडर हैं और भी बहुत सी जमातें हैं, वो PTI को इसलिए देंगे क्योंकि इमरान खान ईमानदार है, वो सिर्फ उसी वजह वो जिसको भी खड़ा करेगा उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। जी भाई, किसको वोट देंगे? वोट जी असेंबली वोट जी जो वोट हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं ना, किसको वोट देंगे आप? जेन तो नहीं बनता कि किसी ने वोट दे दिए जेड़े हालात होए खड़ोते ने, लेकिन फिर भी किसी एक नूं ते देना ना। गरीब आवाम जी भुखी मरती पई है, ठीक है, आटा किसी नहीं मिलता पाया। हूँ कणक वेखो, 4,500 कणक इस टाइम है, अजकर काश्त हूँ हो रही है, कटाई हो रही है, लेकिन ये बीजे जी हूँ अगू 4 दिन ठहर के गरीब बंदा किमें लू है, लेकिन इस टाइम अगे कदे भी नहीं इवें होया भी इन्नी देर इन्नी महंगाई आई, 60 रुपये 50 रुपये चीनी मिलती आई लेकिन डबल हो गई है। उस तो बाद जी हूँ घी हैगा, जरा किसी काम का खैबर घी नहीं है, कोई भी नहीं खाता, डंगर देंदे असे वो आवाम खा रही है सिर्फ क्यों सस्ता करके। आप बताएंगे किसको वोट देंगे? किसी नहीं देंगे। सर जी, किसे वोट देंगे? वोट किसे नहीं देना है जी, किसी को भी नहीं देंगे वोट? नहीं तो वोट तो आपका जमहूरी हक है, किसी को तो देंगे, इसको जी चाहेगा देंगे, पर जब टाइम आएगा देखेंगे ना। फिर टाइम तो अब आ गया, इलेक्शन होने वाले 14 मई, जब आएंगे ना फिर देख लेंगे। भाई किन वोट दोगे? वोट जी इंशाल्लाह जी असी देवांगे जी PTI नु। अच्छा, PTI को वोट देंगे, तो आप बताएंगे कि क्यों देंगे? क्योंकि और भी बहुत सी पार्टी है, महंगाई तो भाई जी बहुत तंग आया है, नून लीग वाले ने तबाही फेरती रोजगार दी लोगों दी। तो आपका मुकामी नुमाइंदा कौन है PTI का? रियाज फतेहाना, मार रियाज फतेहाना साहब जी। हाँ सर, वोट किसे देंगे? वोट देखते हैं, अभी तो हमने कोई फैसला नहीं किया, नहीं डिसाइड किया हमने। हाँ देखते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा हम उसी को वोट देंगे। अभी फिलहाल जो सूरत हाल चल रही है इसमें आप किसको बेहतर समझते हैं? इमरान खान को बेहतर समझते हैं। क्यों बेहतर समझते? उसमें आपको क्या अच्छी चीज़ नज़र आती है? वो कुछ बेहतरी लाया गया, पहले वालों ने तो जो करना था कर लिया, उम्मीद तो यही है कि वो बेहतर करेगा। जी भाई, किसे वोट दे रहे हैं? PTI। PTI क्यों वोट देंगे PTI को, इसकी वजह? क्योंकि वो साफ लोग हैं, करप्शन से पाक लोग हैं, करप्शन नहीं कर रहे, करप्शन से पाक लोग हैं। किसे वोट दें जी? फिलहाल इंशाल्लाह PTI का मूड है, PTI को देंगे इंशाल्लाह। क्यों, किस वजह से, उसकी को वजह बताएं? बस यही वजह है कि वैसे तो वोटर मतलब काफ़ी होते हैं, कैंडिडेट काफ़ी होते हैं, लेकिन अच्छे इंसान की सिलेक्शन करना हमारा हक है, तो हमें अच्छा ये नज़र आ रहा है। आपको यानी बाकी लीडरान में से ये बेहतर नज़र? ये काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं कि इनका जो माजी गुजरा है, कुछ जो इन्होंने हुकूमत की है वो अच्छी रही है, करप्शन से पाक रही है, जैसे मेरे भाई ने कहा, तो इसलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर किसे वोट देंगे? वोट हम देंगे लब्बैक अल्लाहु। जी यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। भाई वोट किन दोगे? इमरान खान देवांगे जी। इमरान खान क्यों दोगे? और भी बहुत सारे लीडर है। ये लीडर अच्छा आया है, पाकिस्तान अच्छा लीडर है, दूसरे लोग चोर हैं, डाकू, करप्शन लोग हैं, और तो सानू तो रोटी एक टाइम दिखा देती है। ये इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, क्यों? इस कोरोना के बीच भी असं रोटी 3 टाइम दी रज के खाने रहे, हूँ इस वक्त रोटी सानू एक टाइम दी लभ लगी, आटा सानू लाइन च लभदा है, और सानू पुलिस वाले डंडा लभदे, साढ़े तो गरीब कहड़ा बंदा है, सानू आटा भी नहीं लभा, और हर चीज़ महंगी हो गई, असं यार की करिए, असं तो बड़े तंग हो गया। ये मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत है, सानू तो तंग कर देते, सानू बड़ा औखा कर देता है, बिल्कुल रोटी तो भुखे हो गया, सारा दिन मजदूरी करने, सारे दिन मजदूरी बदया, थोड़ा साढ़े को खोता रेड़ी बहने, सारा दिन आपकी मजदूरी करना, 700-800 रुपया दिहाड़ी बनती, और 700-800 रुपये ना साडा खर्चा नहीं पूरा, बच्चे कितों पालिए और खावीए कितों, यार अस तो बड़े तंग हो गए हैं, हूँ बिजली का बिल आ जाता है, अगे 800-700 आता से, हूँ 2,000-2,500 रुपया बिल आता, कितों यार भरी है, साढ़े को तो पैसा भी नहीं है, अस तो रोटी खाने तो तंग हाँ, तो असं खर्चा किधर करिए। अच्छा, तुहानू लगता कि इमरान खान ये सारे मुश्किल चो कढ लेगा कौम? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल, ये जो पाकिस्तान मुश्किल में आया हुआ है ना, इंशाल्लाह इमरान खान आ जाए ना वजीर आजम, ये पाकिस्तान बिल्कुल सेट हो जाएगा, ऊंचा चले जाएगा, इस टाइम तो मुल्क दिवालिया हो चुका है, बिल्कुल पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पल्ले तो है का शानी आवाम दे, अभी तो भुखे, साढ़े को ईद के कपड़े जो के कोई नहीं, पैसा तो असं की करिए यार,
तंग आए। इमरान खान आ जाए लीडर, बहुत अच्छा लीडर है। हम ठीक है, असं पसंद, असं मरेंगे भी उसके नाल, जीवेंगे उसके नाल। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान वास्ते बहुत अच्छा लीडर है, हक सच का लीडर। ठीक हो गया जी, इमरान खान, इमरान खान अच्छा लीडर है जी। भाई किसको वोट दे रहे? इमरान खान, इमरान खान के वोटर हैं। किस वजह से? अच्छा लीडर है। अच्छा लीडर जी। भाई किसको वोट दे? इमरान खान। आप भी इमरान खान के? सब इमरान। ठीक हो गया। ये मजदूर तबका सारा इमरान खान का है? ये मजदूर तबका है जी सारा, दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं। ये आटे से बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो ये तो मुश्तरका तौर पे यही कह रहे हैं कि हमारा जो वोट है वो इमरान खान का ही वोट है, क्योंकि वो गरीब आवाम के लिए सोचता है। सर किन वोट दोगे? सर पीटीआई ने वोट देना जी इमरान खान। पीटीआई ने इमरान खान ये कोई खास वजह? जमात और भी बहुत, बहुत अच्छा बंदा जी, इतना काम किया उन्हें कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मसलन उन्हें बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मुल्कों जो मजदूर बेचारे मेरे अगे से उन्होंने ख्याल रखा, उन्होंने मुल्कों कहा कि मैनू समझो मजदूर नहीं, मैं मजदूरी कर दिया पाया। यानी सब काम जो बहुत अच्छे काम है, इसलिए वोट इमरान खान का है। अच्छा तुम्हें लगता है कि इमरान खान ने सारे मामला चो मुल्क को कढ़ लेगा जो महंगाई? इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कढ़ लेना, एक दो चार महीने हुकूमत दे दें, सारा काम सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। आपका मुकामी इधर कौन नुमाइंदा है इमरान खान का? रियाज फतियाना साहब है। रियाज फतियाना साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक यंग लड़के, आप पहले ये बताएं कि आपका वोट बना हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ। फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं? जी फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किसको वोट दे रहे हैं? वोट इमरान खान साहब। हमें बताएंगे कि उसकी वजह क्या है? मेरा जो इमरान खान साहब को वोट देने की सबसे बड़ी वजह है ना, वो उनकी दिलेरी है। वो दिलेरी इसके दुनिया में जाकर, वो OIC में जाकर, हर फॉरगन पे जाकर वो बंदा कहता है कि मैं जो तुम्हें बात कह रहा हूँ मेरी बात मान लो, मेरे लोगों पर जुल्म ना करो, मेरे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना करो, अगर मेरी बात मान लोगे ठीक है, अदरवाइज इफ़ आ कन्वेंशनल वार विल स्टार्ट ऑन द टू कंट्रीज, देर आर टू वे, इधर इफ़ यू आर सरेंडर एंड अदर यू आर फाइट फॉर देन फ्रीडम, देन वी विल बी डू आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, माई बिलीव इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट एंड वी विल फाइट। अगर मेरे लोगों के ऊपर जुल्म ना करोगे तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे और हमारे दरमियान जंग छिड़ जाएगी। यानी कि अगर तुम्हारे और हमारे दरमियान जंग हो तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरे दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरे नंबर पर मेरी उसको सपोर्ट करने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, कि 70 साल उसकी ज़िंदगी है, 70 साल, 18 साल जो है ना वो अपनी 18 साल की उम्र में वो क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में आया, 18 साल की उम्र से हमारे लिए लड़ रहा है, 18 साल की उम्र, और आज उसकी 70 साल एज हो गया, 52 ईयर उस बंदे को हो गया हमारे लिए लड़ते। और अगर आज भी हम उसको वोट ना दें तो हम अपने साथ गर्दारी करेंगे, अपने ज़मीर के साथ गर्दारी करेंगे, और उसका हक है, उसका राइट बनता है वोट देने का। मेरी वजह ये है इमरान खान साहब को वोट देने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वोट किसे दे रहे? वोट PTI। PTI को? उसकी नहीं, आखिर कोई क्वालिटी तो है ना, और भी बहुत सी जमातें हैं, और भी बहुत सी जमातें हैं, आप जो PTI का नाम ले रहे हैं उसकी कोई वजह भी तो होगी? की वजह कोई भी नहीं है। बगैर वजह की? ये बगैर वजह की वोटर हैं जनाब। ये एक दोस्त बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। हम वोटिंग के सिलसिले में थोड़ा सा कर रहे हैं इलेक्शन पोल के, तो आप बताएंगे किसको वोट दे रहे हैं? सर इमरान खान को। इमरान खान को दे रहे हैं, उसकी वजह भी आप बताएं क्यों दे रहे हैं, और भी बहुत सी पार्टियाँ। इमरान खान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, और हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके, और इंशाल्लाह हम वोट से और सपोर्ट करेंगे। आपका जो जो मेन इशू है, आप कह रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, यानी ठीक है इस वक्त वो इसके अलावा आपको और क्या क्वालिटी नज़र आ रही है इमरान खान? उनमें बेतहाशा क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया कोरोना के दिनों में, जबकि उसकी वो पूरी दुनिया मुतारफ है इस बात की। सही, तो अच्छे लीडर हैं। जिस टीम को अच्छा लीडर मिल जाए तो वो टीम भी जीतती है, बुरी टीम हो के भी वो जीत जाती है लीडर अगर अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है भाई का, कह रहे हैं कि अगर टीम बुरी भी हो और लीडर अच्छा हो तो वो जीत जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किनू वोट दोगे? PTI। PTI नू वोट दोगे, किस वजह तो? किस वजह तो वो अच्छा आदमी है, इस लायक है वो हुकूमत चला सके, गरीब आदमी का सोचता भी है। मसला उन्होंने की कोई खास गरीबों वास्ते, जिस वजह ना मैं लिया लोगों का व्यू ज़्यादा, जिहड़ा निचला तबका मजदूर तबका वो दा बहुत सपोर्टर है, यानी केड़ी ऐसी खास गल है जिहड़ी लोगों को मोटीवेट कर रही है वास्ते? वो भाई एहसास करदा गरीब आदमी का, भाई मतलब वेखो भी गरीब आदमी क्या कर रहा है, भी की इतना उनकी कितनी पहुँच है, कितनी कितनी पहुँच है। हुण तू दिस दे लो 700 दिहाड़ी है, तो अगो 1100 थैली आटी दी, बंदा की करे?
हाँ आ मसला जी ते अल्लाह करे सीधे आ जा सीधे कोई सही सिस्टम हो जा से ठीक हो गया। अच्छा सर जिहड़ा तुहाडा पीटीआई ते चलो तुहाडा खान साहब दा वोट हो गया जिहड़े इत्थे दे मुकामी नुमाइंदे ने उह कौन ने उहनां दे पीटीआई दे उह जनाब रियाज सैना साहब रियाज फतेहाना साहब उहनां दे वी तुहानूं इंज इतमाद जिस तरह इमरान खान हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई किसे वोट दे रहे हैं आप? हम पीटीआई को इंशाल्लाह सर पीटीआई को वोट दे रहे हैं भाई। अच्छा आप ये भी बताएंगे किस वजह से? बस भाई ये नून लीग वालों ने इतनी महंगाई कर दी है आवाम का जीना मुहाल कर दिया इस वजह से। चलो उस दौर में लॉकडाउन था इतनी महंगाई नहीं थी तो इस वजह से ये जो है इन्होंने कहा भाई वोट को इज्जत दो इन्होंने तो वोट का जनाजा निकाल के रख दिया है तो वोट को इज्जत कैसे दें? हर चीज़ तो डबल हो गई है गरीब तो कोई चीज़ ले भी नहीं सकता जी सर। अच्छा आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब इस सारे सिस्टम से जो मुल्क में इस टाइम एक अजीब कैफियत है इसे निकाल सकते हैं? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी किनू वोट दोगे? मुस्लिम लीग जिंदाबाद। मुस्लिम लीग। अच्छा तुम ये भी दसना कि मुस्लिम लीग नू क्यों उहदी वजह जिवें भाई को पुछे वजह भी दसो। बस असी मुस्लिम लीग नू दे। अच्छा ठीक है वजह नहीं बता रहे भाई वो कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम लीग को देना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर किसे वोट देंगे? शेर नू नवाज शरीफ जिंदाबाद। ये भी नवाज शरीफ के वोटर हैं भाई नून लीग के। आप वजह भी कोई बताएंगे कोई खास? जो नवाज शरीफ हुकूमत सी हर शायद सस्ती थी इन्नी महंगाई नहीं सी गरीब बंदा आसानी नाल घर का समान लै सकता सीगा चीनी 48 रुपए किलो सी घ्यो 90 रुपए सीगा आम घी दाता घी अच्छे वाला 140 रुपए सीगा किसान की 150 रुपए किलो सीगा उस तो बाद हम देख लो कितने कितने काम चलिया गया इसलिए आवाम उदों बहुत फायदेमंद सी हूँ हुकूमत नॉन लीग दी लेकिन जो हम हुकूमत ही उदो मिली है जो हर शायद निल हो गई इन्हें अपने लड़ाइया झगड़िया सारा मुला का बेड़ा गर्क कर दिता है कि दोनों घर ही नहीं अच्छे है लेकिन नवाज शरीफ शुरू तो दे रहे हैं बस अपने हिसाब का उन्होंने जी बेटा आपका वोट बना हुआ? जी बना हुआ। अच्छा किसको वोट दे रहे? पीटीआई। पीटीआई को उसकी वजह को खास वजह पार्टियां तो और भी बहुत है इमरान खान उसकी वजह इमरान खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किसे वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को। अच्छा जी उसकी को वजह भी बताएं? वजह है बस हमारे ईमानदार हैं इमरान खान बस ओनली ऑन इमरान खान बस ओनली ऑन इमरान खान बस ये भाई का बयान है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है जी। इमरान खान हमारी रेड लाइन है हम चोरों को वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वोट किसे देंगे? वोट रियाज फतेहाना का ही है। रियाज फतेहाना। रियाज फतेहाना। रियाज फतेहाना साहब पीटीआई के हैं। पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी वोट केनु दे रहे हो? नून लीग नु। नून लीग नु वोट देना ओदी को वजह भी दस। वजह के असि शुरू तो नून लीग ही है हुकूमत सही कर रहे हैं हुन भी कर रहे हैं पिछे भी सही की थी अब वेच आके जेड़ा काम होया तरीके इंसाफ ने किया वो सारे जानू पता हूँ इस टाइम नून लीग की हुकूमत है रिजीम चेंज तो बाद और ठीक काम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उन्होंने पुलिसियाँ सही जा रही हैं और इंशाल्लाह अगे तुम देखना कि जिदा भी है महंगाई खत्म होती जाएगी। ठीक हूँ इस टाइम महंगाई की पोजिशन? इस टाइम तो महंगाई इस तरह कि जोड़ा IMF तो कर्जे लाए उन्होंने थले दबे पे हैं उन्होंने जो पॉलिसी निकलेगी इंशाल्लाह थले आएगा काम सारा लेकिन कर्जे पिछे तो हमें भी नस रहे हैं तो कर्जा मिल भी नहीं रहा जे इन कर्जा ना मिले तो फिर जो पाकिस्तान आए तो पता दिवालिया हो चुका लेकिन मिलेगा। अच्छा तो की लगता है इलेक्शन हो फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है लोग कह रहे हैं जज कह रहे हैं कि हो गए असं नहीं मानते थोड़ी पार्टी इलेक्शन करवाने सीरीयस है वो चाहते कि इलेक्शन हो चाहते इलेक्शन हो लेकिन हालात के मुताबिक हालात नहीं जेब दे रहे कि वो चीज़ पहले ही नहीं पाकिस्तान को आया तो इलेक्शन करा के की करे कद ने कराने कराने इलेक्शन किनू वोट दो? मुस्लिम लीग नून जी। मुस्लिम लीग नून नू कोई वजह भी दसो? माशाल्लाह शुरू तो जी अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन महंगाई तो सामने आज करना तो फिर मुश्किल तो कोई नहीं है लेकिन महंगाई जो है ना कमर तोड़ देती है कोई आने वाला मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाल्लाह इनके लिए तो बेहतर सोचेंगे। हूँ इस टाइम कि हुकूमत चल रही है? मुस्लिम लीग नून की जी। तो फिर पोजीशन तो अच्छी कोई नहीं महंगाई तो बहुत है लोग कहते आटा नहीं लगता। हाँ जी आटा तो नहीं मिल रहा ना महंगाई तो बहुत। चलें ठीक हो गया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर किसे वोट देंगे? हम पीटीआई को, रियाज फतियाना साहब की पार्टी पीटीआई है, इमरान खान की, उसको वोट देंगे। अच्छा, हम ये भी पूछ रहे हैं कि कोई एक दो वजह बताएं, वो भी आप प्लीज़ बताएं। हक और सच पे खड़े हैं इमरान खान, हम उसका साथ देंगे, और रियाज फतियाना उसका सिपाही है, उसका साथ देंगे। ठीक हो गया जी। बुजुर्गों किनू वोट दोगे? फतियाना साहब। फतियाना साहब, कोई एक वजह भी दसो। माशाल्लाह साडे इलाके दे विच बहुत काम कराए ने, और शुरू तो उन्हां दा एक रिकॉर्ड है जिहड़े अपने एरिए दे इलाके दे विच हर लिहाज नाल काम कराउंदे ने। ठीक हो गया। ये फतियाना साहब के वोटर हैं और पीटीआई के, ये कह रहे हैं कि फतियाना साहब ने हमारे इलाके में शुरू से बहुत काम करवाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर किसे वोट देंगे? रियाज फतियाना साहब को। रियाज फतियाना साहब कौन सी पार्टी की तरफ से खड़े? वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो आवाम के हकीकी नुमाइंदा, और वो अपने वोट के हकदार भी हैं। उन्होंने अपने इलाके में डेवलपमेंट के काम, यूनिवर्सिटी बनवाई है, डेवलपमेंट करवाई है, सड़कें बनवाई हैं, सीवरेज का काम करवाया है, टफ टाइल वगैरह वो लगवाई हैं, तो वो हकीकी लीडर भी वही हैं और वोट के सही हकदार भी रियाज फतियाना और आशफा रियाज फतियाना हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर किनू वोट दोगे? पीटीआई नू। पीटीआई नू, तुसीं सानू कोई एक दो वजह भी दसनी है भी किस वजह तो? असी वैसे ही पीटीआई नू वोट देने, वजह सारिया ही हैं। हाँ, देना है पीटीआई नू। जी राणा साहब, तुसी भी कुछ हजारे ख्याल करो थोड़ा जा, किनू वोट दोगे? जो इन्हें क्या हुई मेरा। अच्छा, मतलब इकट्ठा ही, यानी हम राहे यारा बहिश्त, हम राहे यारा जहन्नम। ठीक हो गया। अंकल कह रहे हैं कि हम दिमागी तौर पर उसके साथ हैं इमरान खान के, तो उसी को वोट देंगे। ये इनसे भी पूछते हैं जी, इधर आइए जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वोट किनू दोगे? पीटीआई नू। पीटीआई नू, ओदी को वजह भी दस। अच्छे काम करती है पीटीआई, मशहूर है पीटीआई, हम पीटीआई को वोट देंगे। सलाम जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਨ ਡਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਮੁਲਕ? ਆਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਜੀ ਵਾਲ ਸਲਾਮ। ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਉਹ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇੜੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕੀ ਖੜੀਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਬਾਈ? ਚੌਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੱਟ। ਚੌਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੱਟ, ਵਜ੍ਹਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਵੋਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੋ ਸੇ ਸਾਥ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਦਿਆ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਿਆ ਹਮ ਰੋਟੀ 1 ਰੁਪਏ ਕੇ ਲੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਕੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਹੋਟਲ ਕੀ ਗਿਣੋ ਤੋ 50 ਰੁਪਏ ਕੀ ਰੋਟੀ ਪੈਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਵੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਮਾਰਾ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ। ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਸਹੀ, ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ, ਦੂਏ ਨੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਖੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਖੋਈ ਹੈ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਹਾਲੇ ਹਾਲ ਭਾਈ ਹਾਲੇ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਆਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਮੁਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੇ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किनू वोट दो? किसी ने भी नहीं देना। किसी ने भी नहीं? वोट कास्ट ही नहीं करनी? ओदी कोई वजह? ओदी वजह सारे चोर ने। नहीं हूँ सारे तो नहीं होंगे, कोई ना कोई तो बेच ठीक हो। तुहानू इन्हां चोरां चो कदरे बेहतर केड़ा लगता? चोरां चो कदरे बेहतर, चोरां दे विच फिर कदरे बेहतर तुसीं गल करदे ते अही गई कहां जमात इस्लामी नूं देवांगे अगर जरूरत पई भी देंगे। ठीक हो गया जी, ये कह रहे हैं जमात इस्लामी को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसे देंगे जी? वोट जरा बंद इंसान गरीब ना एहसास करेगा अभी वोट उन्होंने देंगे इंशाल्लाह ताला, असं उन्होंने नाल हाँ भावें कोई आ जाए मगर इंसान का मुसलमान का ख्याल गरीब आदमी का ख्याल रखे असी वोट उन्होंने देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जेड़ा भी आ जाए भाई कोई भी पता की है जी किसी पार्टी बेस से कोई बंदा गल करता है वो अच्छा ही लगता है, तू कौन है मैं कौन है अज तक हर गरीब आदमी ने असी आप वे आप मजदूरी करते बैठे हैं आप कड़ी ठीक करते बैठे हैं वो मिस्त्री है भी 200 रुपया 2000 भी ले लेंगे साढ़े को असी आप खोल के आप गरीब स्टंप टुंबा मार लेने हैं। अच्छा ये जड़े हालात इन्ने खराब होए ने इन्नी महंगाई हुई है आटा नहीं लग रहा यदा कौन जिम्मेदार? ये हुकूमत है आप लड़े जाते हैं गरीब आदमी सुनते नहीं वो संसर कर देंगे ये दी गल नहीं बच लिखनी ना यदि गल करनी है वो आप बोली जाते तू कौन मैं कौन आखे सारे दुबई चो आ रहे फलाने कितों आ रहे हैं और जितों मर्जी है सानू की अस तो गरीब रोटी चाहिए सानू तो लगेगा कि तुम लग रहा कि इलेक्शन हो आ रहा अजकल है एक रोटी पकाओ अद्धे घंटे बाद रोटी खाने के काबिल नहीं रही। ठीक हो गया जी इनका पॉइंट आ गया। ठीक है इन भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वोट किसे देंगे? जी वोट खान साहब को। अच्छा आपको खान साहब को वोट देंगे, उसकी कोई वजह भी बताए एक दो हमें। खान साहब हमारी जान है, वो मुल्क के लिए बहुत ही अच्छे काम करेंगे, बाकी सब तो चोर लुटेरे हैं इनको क्या है, ये तो सब अपने खाने पीने में लगे हुए हैं। खान जिंदाबाद, बस मैं तो यही चाहता हूँ। खान आएगा तो हमारी आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल बनेगा, ये तो सारे चोर लुटेरे इन्होंने खा खा के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब देखें ना हमारी क्या हालत हो गई है, हम बिल्कुल भूख से मर रहे हैं, कोई काम नहीं है, फारिग बैठे हैं, कोई काम नहीं है। खान आएगा तो इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हमारा काम मुस्तकबिल बनेगा, हमारे बच्चों का बनेगा। यानी आपको खान से उम्मीद है? उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वोट दोगे तो वजह भी दसो। इमरान खान लीडर ठीक है, दूसरे तो चोर लुटेरे, इमरान खान का लीडर पाकिस्तान को नहीं मिलना कभी भी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान लिए जान भी हाजिर है अपनी जी। ये था अवामी सर्वे जो आपने देखा, फैसला आप खुद करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए नासर जड नासर, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सियासत अबादत को। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।